अगर किसी भी रैली में नेता अगर कुर्सी लगवा दे रहे हैं तो समझिए वो रैली होने से पहले फ्लॉप हो गया। पूछिए क्यों, क्या आपने कभी देखा है कि नरेंद्र मोदी के रैली में कुर्सी लगा हो, लालू प्रसाद यादव के रैली में कुर्सी लगा हो, लेफ्ट के रैली में कुर्सी लगा हो? नहीं लगता है। वहां जो लोग पहुंचते हैं वो उस विचारधारा के लोग हैं। प्रशांत किशोर दरअसल बिहार में राजनीति नहीं बल्कि एक बिजनेस करने आए हैं, लेकिन शायद प्रशांत किशोर इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये दिल्ली नहीं है जहां अरविंद केजरीवाल का दाल गल गया था। जो महिलाएं पहुंची हैं, जो बुजुर्ग पहुंचे हैं, कुछ बूढ़े मुसलमान भी हमसे मिले, हमने भी उनसे बातचीत किया, उनको प्रशांत किशोर से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमने उनको तस्वीर भी दिखाया कि भाई ये इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं जो तस्वीर में आपको दिख रहा है, तो ना हम ना जाने। ये हाथ में जो आप लिए हुए हैं इनको पहचान रहे हैं कौन है? कौन है? अनीता। ये कौन है, इनका नाम पता है आपको? हम नहीं जाने। नहीं को सुनने आए हैं आनंद कुमार, आनंद कुमार जी का। आनंद कुमार की प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर दरअसल एक सौदागर है, एक बिजनेसमैन है, एक कॉरपोरेट हाउस के मालिक रहे हैं और बिहार में अब फिर से वो वही मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस मैनेजमेंट को वो राजनीति में उतारना चाह रहे हैं। लालसा जाग गई होगी कि भाई जब दूसरे को हम सीएम बना रहे हैं तो हम खुद क्यों नहीं बन सकते हैं, लेकिन शायद प्रशांत किशोर यह भूल जाते हैं कि ये बिहार है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर वो तारीख निर्धारित की गई थी जिस दिन प्रशांत किशोर बिहार के तथाकथित जीर्णोद्धार करने वाले नेता अपनी पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं। हमने ग्राउंड से आपको खबरें दिखाई, माहौल भापने का हमने प्रयास किया कि दरअसल जिस बात का दावा प्रशांत किशोर करते हैं वो कितना सच है और क्या बिहार की जनता प्रशांत किशोर को अपना नेता मानती है। देखिए, पटना के वेटनरी ग्राउंड में यह समारोह आयोजित किया गया था, हम कल शाम भी वहां पहुंचे थे और वहां पर हमने ये जानने का प्रयास किया कि दरअसल लोग क्या चाह रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, हर नेता क्या चाहता है, सभी नेता, ये सभी को पता है, लेकिन जनता कितना प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट कर रही है। प्रशांत किशोर के पृष्ठभूमि को हम सभी जानते हैं, दूसरों का बारात सजवाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद दूल्हा बनना चाह रहे हैं और उनको दूल्हा बनाएगा कौन, तो यही बिहार की जनता। हम लगभग वहां 3 बजे तक थे और ये वीडियो जब हम शूट अभी कर रहे हैं तो करीब टाइम जो है 3:45 हो रहा है, हालांकि कार्यक्रम अब वहां भी खत्म ही होगा। तो आप समझिए इस बात को कि आज का जो कार्यक्रम रहा प्रशांत किशोर का वो पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप कार्यक्रम था। भाड़े की जनता थी, हम भाड़े की जनता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां जितने लोग पहुंचे थे उसमें जो उनका मुखिया था, जो उनका सरपंच था, जो उनका नेता था, वो भीड़ जुटाकर ले आया है। जो महिलाएं पहुंची हैं, जो बुजुर्ग पहुंचे हैं, कुछ बूढ़े मुसलमान भी हमसे मिले, हमने भी उनसे बातचीत किया, उनको प्रशांत किशोर से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमने उनको तस्वीर भी दिखाया कि भाई ये इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं जो तस्वीर में आपको दिख रहा है, तो ना हम ना जाना है इनका, हमको नहीं पता है ये कौन व्यक्ति है। ये उनके लाइन थे, ये हाथ में जो आप लिए हुए हैं इनको पहचान रहे हैं कौन है? कौन है? अनीता। ये कौन है, इनका नाम पता है आपको? हम नहीं जाने। नहीं को सुनने आए हैं यहाँ पर आप? आनंद कुमार जी का। आनंद कुमार की प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर जी का। किशोर जो है इनको तो आप जान रही होंगी, नया पार्टी जानने आए हैं। कौन लेके आया आप लोगों साथ? रीता देवी। जो थोड़ा सा भीड़ जुटा भी, हालांकि दावा 1 लाख की संख्या का था, 2 लाख की संख्या का था, लेकिन गिनती से अगर गिनिएगा तो वो भीड़ 10,000 भी नहीं पहुंच पाई। देखिए, पटना के वेटनरी ग्राउंड में कोई ये पहला कार्यक्रम नहीं है, अभी हाल में ही जदयू का भीम संसद हुआ था, हमने ही कवर किया था, हम पूरे दिन वहां पर मौजूद थे। एयरपोर्ट का जो गोलंबर है जो अनिसाबाद की तरफ जाता है और इधर लुटियंस जोन जाता है, उस गोलंबर से भीड़ दिखने लगी थी और इतना भीड़ था कि हमें गाड़ी छोड़िए पैदल चलना मुश्किल था उस दिन। लेकिन आज जब हम वहां पहुंचे, करीब 12 बजे हम वहां पहुंचे हैं और 3:45 में वहां से निकले हैं, बाइक आप आराम से लेकर वेटनरी ग्राउंड में घुस जाइएगा, सड़क पूरी तरह खाली। हालांकि चाक चौबंद बड़ा बढ़िया किया गया है, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, बिरयानी खिलाया जा रहा है, संगीत बज रहा है, कुर्सियां लगी हुई हैं,
टेंट लगा हुआ है, वाटरप्रूफ जो वो टेंट होता है वो लगा हुआ है, लेकिन जनता ही नहीं जब पहुंच रही है, और जो जनता पहुंची भी है ये वही जनता है जिसको उसकी मुखिया ने पकड़ के ले आया गांव से, किसी के सरपंच ने उन्हें पकड़ के ले आया है, कोई उस इलाके का दबंग है, बाहुबली है, वो उनको पकड़ के ले आया है। बाइक दिया गया है, खबर तो यह भी है कि अपने बाइक पर अगर स्टिकर आप लगाइएगा तो उसके लिए भी जन सुराज पेमेंट कर रहा है, गाड़ी पे अगर आप पूरा जन सुराज का बैनर पोस्टर लगवा लेते हैं तो उसके लिए भी पेमेंट जा रहा है। तो सारा खेल जो है ना, देखिए प्रशांत किशोर दरअसल एक सौदागर है, एक बिजनेसमैन है, एक कॉरपोरेट हाउस के मालिक रहे हैं, और बिहार में अब फिर से वो वही मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस मैनेजमेंट को वो राजनीति में उतारना चाह रहे हैं। लालसा जाग गई होगी कि भाई जब दूसरे को हम सीएम बना रहे हैं तो हम खुद क्यों नहीं बन सकते हैं, लेकिन शायद प्रशांत किशोर यह भूल जाते हैं कि ये बिहार है जहां उड़ती चिड़िया को भी पकड़कर हल्दी लगा दिया जाता है, ये की सब कहावत है, ये वही बिहार है, और यहां पर कैसे प्रशांत किशोर ये कल्पना कर रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए 2 साल का उनका यह यात्रा रहा है, जो पदयात्रा उन्होंने किया है, उनकी पार्टी से, उनके यात्रा से जो लोग जुड़े थे, जो निकले वहां से, जो जिन्होंने छोड़ दिया, कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे, उस भीड़ में भी कुछ लोग ऐसे थे जो जन सुराज को छोड़ चुके हैं। एक ताजा उदाहरण आपको देते हैं, जो इस बार शिवहर से AIMIM से चुनाव लड़े, राणा रणजीत सिंह, पहले वो जन सुराज के ही यात्रा में शामिल थे, काफी प्रशांत किशोर के करीबी रहे, लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया। जन सुराज क्यों छोड़ा है लोग, उन लोगों से आप जाकर बात कीजिए तो आपको सच्चाई समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर दरअसल बिहार में राजनीति नहीं बल्कि एक बिजनेस करने आए हैं। लेकिन शायद प्रशांत किशोर इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि यह दिल्ली नहीं है जहां अरविंद केजरीवाल का दाल गल गया था, यह बिहार है, और यहां पर जाति पर ही वोट पड़ना है। आप कितना भी देखिए ना, बड़े बड़े वादे कि हम रोजगार देंगे, भोजन देंगे, पलायन रोक देंगे, कैसे दीजिएगा, क्या आपका रोड मैप है? प्रशांत किशोर ने कभी बताया अपनी जनता को कि ठीक है आप कहते हैं कि बिहार से पलायन हम रुकवा देंगे, जो लोग बिहार से बाहर चले गए हैं उनको बिहार वापस बुला देंगे, हम यहीं पे रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, भत्ता देंगे, पैसा देंगे, कैसे, क्या मॉडल होगा आपकी सरकार का? क्या 2 साल में कभी इसका जिक्र किया है प्रशांत किशोर? बस हवा हवाई वादा, सिर्फ हवा हवाई वादा ही करते आए हैं प्रशांत किशोर। कैसे लगेगा बिहार में फैक्ट्री भाई, किस कंपनी को आप बुलाइएगा, किस कंपनी को आप बुलाइएगा, कौन सी कंपनी बिहार में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएगी? क्या ये प्रयास पूर्व में सरकारों ने नहीं किया, और किया और अगर असफल हुए तो आप सफल कैसे हो जाइएगा? एक रोड मैप होता है ना, किसी भी नेता को अगर जनता के बीच अपनी बातों को रखना है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव कहना, नकारात्मक बातें करना, ये एकमात्र एजेंडा है जिस पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बता देना, कभी नीतीश कुमार को बीमार बता देना, स्वस्थ बता देना, कभी बीजेपी के बारे में कह देना कि इसका वही हासिल होगा जो कांग्रेस का हुआ बिहार में, क्योंकि कांग्रेस ने राजद को समर्थन किया था 90 के दौर में। तो इस तरीके के बयान देकर प्रशांत किशोर कैसे इस मुगालते में है कि वो बिहार के सीएम बनेंगे, कैसे इस मुगालते में है? और सबसे बड़ा बात कि प्रशांत किशोर को यह बताना चाहिए बिहार की जनता को कि उनके पास पैसा आ कहां से रहा है। कई बार मीडिया ने यह सवाल किया, घुमा फिरा का जवाब देते हैं, 100-100 रुपये चंदा ले रहे हैं, 200-200 रुपये चंदा ले रहे हैं। भाई आपका जो एक्सपेंडिचर भले ही आज का रैली फ्लॉप था, पब्लिक नहीं पहुंची है हम मानते हैं, लेकिन शो और जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया वो बहुत जबरदस्त था। इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज बीजेपी JDU RJD नहीं करा पाती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमने कई रैलियां कवर किया है, 2014 का रैली भी हम देखे जब नरेंद्र मोदी गांधी मैदान आए थे, हमने लालू प्रसाद यादव का 2015 का रैली भी देखा है, अभी हाल में भीम संसद हुआ था। देखिए आपको हम एक बहुत जनरल चीज बताते हैं, अगर किसी भी रैली में नेता अगर कुर्सी लगवा दे रहे हैं तो समझिए वो रैली होने से पहले फ्लॉप हो गया। पूछिए क्यों, कुर्सियां अगर आप एक कुर्सी जितना स्पेस लेता है, जितना जगह लेता है, उस जगह में कम से कम 2 से 3 लोग खड़े हो सकते हैं, समझिएगा इस बात को। क्या आपने कभी देखा है कि नरेंद्र मोदी के रैली में कुर्सी लगा हो, लालू प्रसाद यादव के रैली में कुर्सी लगा हो, लेफ्ट के रैली में कुर्सी लगा हो? नहीं लगता है।
वहां जो लोग पहुंचते हैं वो उस विचारधारा के लोग हैं। अगर कोई नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंचता है तो वो नरेंद्र मोदी के विचारधारा से संघ बीजेपी के विचारधारा को पकड़े हुए हैं। अगर लालू के रैली में कोई पहुंच रहा है, लालू प्रसाद जी के रैली में, तो आप समझिए कि वो डेडिकेटेड वोटर है लालू प्रसाद यादव का। अगर वाम का कोई रैली हुआ तो हमने अभी देखा था पटना के गांधी मैदान में, लाल पट गया था पूरा, कहीं कुर्सी नहीं, जमीन पर बैठे थे लोग दरी बिछा बिछा कर। वो होता है रैली। ये तो जैसे शादी होता है, विवाह होता है, बर्थडे पार्टी होता है, उस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो हमने 3 घंटा रहा वहां पर, 3 घंटे हमने जानने का, और देखिए भीड़ का जो वाइब्रेशन होता है, भीड़ का जो एक अपना मोशन होता है, जनता का जो लय होता है, वो बहुत कुछ बता देता है। हम इसीलिए अभी जब दफ्तर पहुंचे अपने, तो हमने सोचा कि ये वीडियो शूट करके बिहार की जनता को इस बात से अवगत कराएं कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, जो जिस पदयात्रा की वो चर्चा करते रहते हैं, वो फ्लॉप है। बिहार की जनता उन्हें स्वीकार अभी नहीं कर पा रही, हो सकता है भविष्य में कर ले, लेकिन कम से कम अभी तो प्रशांत किशोर पूरी तरीके से फ्लॉप है। और जिन लोगों को नहीं लग रहा है कि ये बात सच है, आप चले जाइए मिलर स्कूल, माफ कीजिएगा, ये वेटनरी ग्राउंड जहां पे ये शो हो रहा है, ये कार्यक्रम चल रहा है, अब तो खत्म हो रहा होगा और अभी भीड़ निकल रही होगी, तो आपको भीड़ देखकर अंदाजा लग जाएगा भाई कि पहला रैली बिहार में नहीं हुआ है। इसके पहले दर्जनों रैली हमने देखा है, कवर किया है, वहां के लोगों से बात किया है। हमने बताया ना कि एक वाइब्रेशन होता है भीड़ का जो बताता है कि ये रैली सफल है या असफल है। ये जो भीड़ पहुंचा वहां पर, ये किसी गांव का मुखिया के द्वारा 100 लोग लाया गया है, कोई और नेता है उसके द्वारा 50-100 लोग लाया गया है, कोई जहानाबाद का नेता है उसके द्वारा कुछ लोग लाया गया है, कोई बेलागंज से लाया गया है, कोई बक्सर से लाया गया है, कोई भागलपुर से 2-4-500 लोग चले आए हैं। इस तरह का ये भीड़ है। मतलब प्रशांत किशोर कितना भी कह ले कि बिहार में ये विकास होगा, वो विकास होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिहार की जनता को फुसलाना, मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है प्रशांत किशोर जी, जितना आप समझ रहे हैं। तो रैली पर यह विश्लेषण करना हमारा इसलिए जरूरी था क्योंकि देखिए मैं भी एक पत्रकार हूं लेकिन एक बिहारी हूं। प्रशांत किशोर को कई दिनों से ऑब्जर्व मैं भी कर रहा हूं कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं और जनता कितना इनसे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि कुछ भी करना चाहे जब तक जनता इनका साथ नहीं देगी ये फ्लॉप होंगे, जैसे आज फ्लॉप हो गए। और यही हश्र इनका 2025 के विधानसभा चुनाव में भी होगा। जब 2 साल में जनता कन्विंस नहीं हुई तो अब 1 साल में जनता को कितना कन्विंस करिएगा। आपका जो प्रतिक्रिया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।